मानसी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। हमारे देश में जब भी गली के किसी छोटे मोटे गुंडे के हाथ हथियार लग जाता है तो उसके दम पर वह इलाके में अपनी पैठ जमाने का प्रयास करता है। धीरे धीरे लोग उसे डरने लगते हैं, उसके खौफ के साए में पूरा इलाका आ जाता है। और जब वह इतना बड़ा हो जाता है कि अपना गैंग बना ले, तब उसके लिए सबसे आसान होता है विधायक या सांसद बनना। इसी तरह का एक गुंडा जो पहले माफिया और बाद में राजनेता बना, अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और शूटर गुलाम को 13 अप्रैल को यूपी पुलिस की एसटीएफ ने झांसी में हुए एक एनकाउंटर में मार गिराया। ये दोनों आरोपी 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी थे, जिसमें यूपी पुलिस के 2 सिपाही भी शहीद हुए थे। इस एनकाउंटर के बाद से ही सवाल उठने लगे कि आखिर भारत में एनकाउंटर के लिए क्या कानून है, इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं, और देश में इसको लेकर मानव अधिकारों के प्रति निगाह रखने वाली संस्था NHRC और भारत के सुप्रीम कोर्ट के पुलिस को क्या दिशा निर्देश है। तो आइए जानते हैं क्या कहती है कानून की किताब। दोस्तों, भारत में कानून व्यवस्था की किताब भारतीय दंड संहिता यानी IPC और दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC या फिर भारत के संविधान में कहीं भी एनकाउंटर शब्द का कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन पुलिस को देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों में किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी वजह से राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में चुनौती हो सकती है तो अपनी हिरासत यानी कस्टडी में लेकर उस पर लगाए गए आरोपों की जांच करने तक अपनी कस्टडी में रखने का अधिकार है। ऐसे समय में कई बार पुलिस जब किसी अपराध की जांच के लिए वह किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लेती है या लेने का प्रयास करती है तो आंदतन अपराधी कई बार पुलिस के सामने समर्पण करने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में पुलिस को उनके साथ बल प्रयोग करना पड़ता है। कानून आयोग यानी लॉ कमीशन ने ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा इस्तेमाल किए गए बल प्रयोग के लिए एनकाउंटर शब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, कानूनी भाषा के मुताबिक जब कोई अपराधी पुलिस के साथ बल प्रयोग करता है या करने का प्रयास करता है तो ऐसे समय में जब पुलिस अपनी आत्मरक्षा में या फिर अपराधी को काबू करने के लिए जवाबी बल का प्रयोग करती है तो ऐसी स्थिति को ही एनकाउंटर कहा जाता है। हालांकि भारत में एनकाउंटर के लिए कोई भी कानून नहीं है, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने एनकाउंटर को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं। तो आइए जानते हैं एनकाउंटर को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली गाइडलाइन कहती है, जब भी पुलिस को कोई खुफिया जानकारी मिलती है तो कोई भी एक्शन लेने से पहले पुलिस इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दर्ज करना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस कार्रवाई में मारा जाता है तो कार्रवाई में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से आपराधिक FIR दर्ज की जानी चाहिए। FIR दर्ज हो जाने के बाद हुई घटना की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। घटना की जांच CID या किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा की जानी चाहिए। जांच में अपराधी, अपराध और घटना का पूरा विवरण लिखित में विस्तार से उपलब्ध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, किसी भी परिस्थिति में हुए पुलिस एनकाउंटर की स्वतंत्र मजिस्ट्रेट जांच बहुत जरूरी है। घटना के बाद घटना की पूरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के साथ साझा की जानी बहुत जरूरी है। एनकाउंटर के बाद घटना की पूरी रिपोर्ट विस्तार से घटना के अधिकार क्षेत्र में आने वाली स्थानीय कोर्ट के साथ लिखित में साझा की जानी चाहिए। एनकाउंटर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले थाने को घटना की सूचना मिलते ही हर पहलू को ध्यान में रखकर तुरंत FIR दर्ज की जानी चाहिए। अगर इस पर तत्काल FIR दर्ज नहीं की जाती तो इसके लिए संबंधित थाने के पुलिस ऑफिसर सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। अपराधी की मौत से जुड़े हर तथ्य और परिस्थिति से जुड़ी हर बात को नोट किया जाना चाहिए और इससे जुड़े तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। मानव अधिकार आयोग का कहना है, चूंकि पुलिस इस मामले में खुद ही फर्स्ट पार्टी है, इसलिए घटना की जांच राज्य की स्वतंत्र जांच संस्था CID से कराई जानी चाहिए। एनकाउंटर की 4 महीने में जांच पूरी हो जानी चाहिए
और यदि जांच में पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनको अपराधी मानकर उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वहीं एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच 3 महीने में पूरी होनी चाहिए। घटना के बाद मृतक के परिजनों को सूचना देना पुलिस का कर्तव्य है। दोस्तों, भारत की सुप्रीम कोर्ट और मानव अधिकार आयोग की पुलिस एनकाउंटर को लेकर सख्त गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार देश भर के अलग अलग राज्यों में हुआ पुलिसिया एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। उसका कहना है, पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधी को काबू करते समय सबसे अंतिम विकल्प के रूप में एनकाउंटर को आत्मरक्षा के अंतिम विकल्प के रूप में चुनना चाहिए। इस मामले में अदालत कितनी सख्त है उसका अंदाजा फर्जी मुठभेड़ की सुनवाई करते समय उसने कहा था, जो पुलिसकर्मी यह सोचते हैं कि वे किसी का एनकाउंटर करके बच निकलेंगे तो उनको हम बताना चाहेंगे कि फांसी की सजा उनका इंतजार कर रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद बड़े पैमाने पर एनकाउंटर हुए हैं। यह यूपी पुलिस का 183वां एनकाउंटर था। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।